वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वयं महफूज। दोस्तों आज का टॉपिक है बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इज ए 3 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स विच इज डिवाइडेड इंटू 6 सेमेस्टर। जो लोग जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं और मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं वे बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोर्स हैं जिनके थ्रू आप मीडिया इंडस्ट्री को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक बीएमएम बैचलर ऑफ मास मीडिया। इस पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप बीएमएम करना चाहते हैं तो आप उससे भी आप मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीजेएमसी कोर्स को करने के लिए। दोस्तों अगर आपने 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया है, मिनिमम 50% to 60% मार्क्स हैं तो आप बीजेएमसी कोर्स को कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी इसमें 17 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनके थ्रू आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट करती है जो आपको क्लियर करने होते हैं तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है और आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप वहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, बट प्राइवेट कॉलेज में आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपकी उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपकी फ़ीस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जिन्हें आप दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज IPU CET। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर BJMC। एंड सेकेंड वन इज DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिनके थ्रू आप BJMC कॉलेज में जा सकते हैं। आइए बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, BJMC कोर्स में आपकी फ़ीस कितनी होती है। इसमें आपकी फ़ीस 1 लाख to 3 लाख तक हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज पर डिपेंड करता है। BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपको थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है। आइए बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल के बारे में। अगर आप BJMC कोर्स को करना चाहते हैं आपके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए। दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी होती है, वो इजीली किसी को भी इंट्रैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी इंट्रैक्शन पावर भी बहुत अच्छी है तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जा सकते हो, आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो और आप इस कोर्स को कर सकते हो और आप किसी को भी इजीली इंट्रैक्ट कर पाते हो। आइए बात करते हैं टॉप कॉलेज की जहाँ पर आप BJMC कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है। IIM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मास मीडिया, ये भी दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जो कि अहमदाबाद में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉप कॉलेज हैं जहाँ से आप BJMC कोर्स को कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्टस की, क्या करियर प्रोस्पेक्टस है BJMC कोर्स में। दोस्तों अगर आपने BJMC कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो, आप किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। दोस्तों अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्टस की, क्या करियर प्रोस्पेक्टस है। अगर आपने BJMC कोर्स बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं, आप किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। कुछ कंपनियाँ जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़ एजेंसी, टेलीविज़न, ये सब कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको जॉब ऑफर करती है। आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप अपना प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। आइए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की।
आप बीजेएमसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं। वो भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल है जो आप बीजेएमसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप बीजेएमसी कोर्स को ही करें, आप बीएमएम बैचलर ऑफ मास मीडिया कोर्स कर सकते हैं, ये भी सेम कोर्स है। आप इसके थ्रू भी आप मीडिया इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं हायर स्टडी की। अगर आपने बीजेएमसी कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप एमए इन मास जर्नलिज्म में कर सकते हो, आप एमए इन मास कम्युनिकेशन में कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, ये सब आपके पास ऑप्शन है। बीजेएमसी कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर में ये सब कर सकते हो। आइए बात करते हैं सैलरी पैकेज की। अगर आपने बीजेएमसी कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो आपकी इसमें सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर आपने बीजेएमसी कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आप किसी भी कंपनी में एज ए फ्रेशर जाते हो तो आपकी सैलरी एज ए फ्रेशर 3 लाख to 4 लाख पर एनम होती है। ज़्यादा भी हो सकती है, अगर आपका वर्क बहुत अच्छा है तो आपकी 4 लाख to 5 लाख तक भी हो सकती है। तो आइए बात करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर की। सोशल मीडिया मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। सोशल मीडिया मैनेजर की सैलरी 7 लाख तक होती है और असिस्टेंट वॉइस प्रेसिडेंट इनकी सैलरी अराउंड 20 लाख तक हो सकती है। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग, इनकी सैलरी होती है अराउंड 10 लाख। नेक्स्ट है रिपोर्टर, बेसिकली इनका काम रिपोर्ट करना होता है, इनकी सैलरी 3 लाख तक हो सकती है। नेक्स्ट है जूनियर कॉपीराइटर, इनकी सैलरी भी 3 लाख to 4 लाख तक हो सकती है। दोस्तों अगर आप बीजेएमसी कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो और आपकी स्किल बहुत अच्छी है तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जा सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन कन्विंसिंग पावर, आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करना चाहूँगा। अगर अभी आपको बीजेएमसी से कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपको बीएमएम कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।